फिरोजाबाद में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों द्वारा द्रवित जनकल्याण महासभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जसरा में तैनात लेखपाल मनोज यादव द्वारा पीड़ित किसान मुकेश बाबू द्वारा 2005 में खरीदे गए खेत पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने की मांग को लेकर आगामी आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें धर्म कल्याण महासभा संस्थापक सचिव उदयवीर सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष संत धर्मदास जी महाराज, जिला अध्यक्ष हरविंद्र सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। 2005 में राम सिंह से बेनाम कराया था, ये घाटा संख्या 10। तब से मेरी जमीन खाली नहीं हुई, मेरे घर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, उनके ठीक घर के सामने लेखपाल साहब है, वो जबरी से उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या नाम है, कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम मुकेश बाबू है। कौन सा गांव है? गाँव गुंडारू, वो एक ही गाँव है, गुंडारू आया नगर, वो गुंडारू उठा रहे हैं। आप लेखपाल साहब मिले नहीं, उमेश राठौर का आप नाम बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि वो माँ से आदेश करवाइए, यहाँ से थाना जाइए, और थाने एस ओ साहब के पास जाता हूँ, वो भगा देते हैं कि नहीं, वहाँ से वो लाइए आदेश लाइए, ऐसे नहीं हम जाएंगे। कितनी जमीन पर कब्जा है? एक सवा बीघा जमीन है। इसके अलावा उच्च अधिकारी उससे कभी मिले हैं? हाँ मिले। क्या आश्वासन मिला? मैंने जो कही लेखपाल साहब से, किसी अन्य अधिकारियों से? हाँ, तब जो कही आपको कब्जा मुक्त कराएंगे SDM साहब ने। कितने दिन हो गए इस मामले को? इस मामले में कम से कम 20 साल हो गई। 20 साल से मामला चल रहा है SDM कोर्ट में? अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, एक बार डाला मेरा वे आदेश भी कर दिया है तहसीलदार महोदय ने। आपके पक्ष में आदेश भी हुआ था? मेरे पक्ष में आदेश। तब तक न्याय नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, मेरा बेना है। कौन है वो कब्जा करने वाले, कौन कौन लोग हैं? वो उनके पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह और सनक सियाराम और मनोज लेखपाल, उन्हीं के मकान के सामने थी जमीन। आज किस संबंध में वार्ता? आज समाज सेवी संगठनों द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी है, विषय ये है कि जसराना में तैनात लेखपाल मनोज यादव द्वारा हमारे ये पीड़ित किसान हैं मुकेश बाबू, इन्होंने एक जमीन लेखपाल मनोज यादव के चाचा से 2005 में खरीदी। उस जमीन पर 2005 से लेकर अभी तक कोई कब्जा नहीं दिया गया, उसमें जमीन पर मनोज यादव का कब्जा बरकरार है। इनके द्वारा कई बार तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, शासन तक स्तर पर कार्रवाई की गई, लेकिन आज तक कुछ जमीन पर कब्जा मुक्त नहीं किया गया, और तुम्हारे थाना प्रशासन ने कई बार इन पर 116 की कार्रवाई कर शांतिभंग की कार्रवाई की गई, लेकिन पीड़ित किसान को कहीं न्याय नहीं मिला। हम लोगों द्वारा भी कई ज्ञापन दिए गए प्रशासन के लिए, लेकिन वहाँ SDM महोदय ने आश्वासन दिया और उन्होंने आदेश भी किया, लिखित आदेश किया, तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उमेश राठौर और कानून गो और नायब तहसीलदार की मिली भगत से उस जमीन पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं, लेखपाल उमेश राठौर कह रहे थे हमारे पीड़ित किसान से, तुम्हारी जमीन यहाँ है तो यहाँ से हटा के आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसका क्या मकसद है? उसी लेखपाल द्वारा ये कोड़ाबंदी की गई है, उसी लेखपाल के द्वारा ये खतौनी खारिज है, इनकी सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी जमीन पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थितियों में आकर सभी समाजसेवी संगठनों ने आज इनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का निर्णय लिया है और आज इस आंदोलन की घोषणा करते हैं। आज हम लोग यहाँ से आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। 28 तारीख को क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक को एक संबोधन ज्ञापन दिया जाएगा इनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए और लेखपालों पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए, और 29 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप जी को ज्ञापन दिया जाएगा, और 2 तारीख को सितंबर के माह में 2 तारीख को सदर तहसील में एक दिवसीय धरना देने के बाद आखिरी धरना रहेगा, आखिरी ज्ञापन रहेगा, उसके बाद 10 तारीख से घेरा डालो के तहत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और आप अभी हमारे पीड़ित किसान इतने पीड़ित हैं, ये अपने आप को हाथ मुंह दहा करने तक को मजबूर है।
इसीलिए हमारे पीड़ित किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। मामला जसराना तहसील का है, धरना सदर में देंगे, ऐसा क्यों? ऐसा है, ये जसराना तहसील के जो लेखपाल तैनात हैं वो गुनाऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं, सदर तहसील फौजाबाद के, वहाँ उनकी जमीन पड़ी है और इनकी जमीन पर ही वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया है। फौजाबाद तहसील में जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं वो भी मिले हुए हैं दोनों। कौन है वो क्षेत्रीय लेखपाल? क्षेत्रीय लेखपाल उमेश राठौर ने कब्जा किया है, मनोज यादव ने।